जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। सोना, वैसे आज खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली सी फूड बहुत अच्छा था। वैसे एक बार ना ऑफिस मीटिंग में मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि आप सी फूड खाएंगे, मैंने तो झट से मना कर दिया था। दिल्ली में कभी खाया ही नहीं था ना। पर सोना, इंसान को हमेशा नई नई चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए, है ना? हाँ। वैसे सच कहूं, एक ही चीज से ना मैं तो बोर हो जाता हूँ। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम बाहर मत निकलना। पता है, मुझे शक नहीं, मतलब 100% यकीन हो गया है। ओके, रिलैक्स, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, जस्ट हैव पेशेंस नाउ। कुछ ही समय में उससे छुटकारा मिल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। सुहाना, क्या हुआ है तुम्हें? जब से रेस्टोरेंट से आई हो कुछ खोई खोई लग रही हो। खाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा था, it was nice. ईशान, सच में तुम एक चीज से बोर हो जाते हो? हाँ, क्यों? ऐसे नई नई चीजें ट्राई करने में बुराई क्या है? इंसान रिलेशनशिप से बोर हो जाता है, ये तो खाना है। रियली? आदमी रिलेशनशिप से बोर हो जाता है? हाँ सुहाना, ये तो ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर को समझना किसी के पास की बात नहीं होती। ईशान, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम उसका सच सच मुझे जवाब देना। सुहाना, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? नहीं ना, पूछो। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो या मुझसे बोर हो चुके हो? What? सोना, ये ईशान, तुमने कहा था तुम ट्रूथफुली मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। हाँ, बट ये कैसा सवाल है? सोना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ पहले जितना, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है, पहले मैं तुम्हारी बातों से इरिटेट हो जाता था, अब इरिटेट होता हूँ। पर तुमने तो अभी कहा ना कि लोग बोर हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर। मतलब कल को अगर तुम मुझसे बोर हो जाओ या बदल जाओ, आई मीन पीपल डू चेंज, ऐसा होता है ना। वो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें इसलिए करता है शान, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पसेसिव है। पसेसिव होना तो अच्छी बात है, है तो ये प्यार ही ना। ये प्यार है? Is this what you call love? हाँ सुहाना, ऐसा होता तो है। लोग पहले प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। वही अपना जिसके लिए आप रात रात भर जागते हैं, सडनली उसी की प्रेजेंस आपको बुरी लगने लगती है। शादी के कुछ ही साल बाद प्यार एकदम खत्म हो जाता है। पता ही नहीं चलता कैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। मैंने तुमसे मना किया था ना, और कहा था तुमसे कि तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे कहना। हाँ ठीक है, मैं तुमसे आके मिलता हूँ। नहीं, मैंने मैंने सोना को अब तक कुछ नहीं बताया। जितनी बड़ी बड़ी बातें, जितनी बड़े बड़े क्लेम, उतना ही उनका प्यार खोखला होता है। खैर छोड़ो ये सब, अब मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब हम ऑफ टू स्लीप। तुम्हें सोना नहीं है क्या?
सो जाओ। मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। OMG, इशार ये कैसी बातें कर रहा है? कहीं ये मुझे प्रिपेयर तो नहीं कर रहा है ताकि कल को जब ये किसी और को ले आए तो मैं एक्सेप्ट कर लूं। मीन समवन इज देयर इन हिज लाइफ और वो मेरी एब्सेंस में उसे ही इस घर में लाया था। आई हैव टू फाइंड आउट वेरी फास्ट व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ बिफोर इट्स टू लेट। यस, मुझे हर हाल में पता करना होगा ईशान कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे ये याक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।